हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राधिका रेसिपी। कैसे हैं आप फ्रेंड्स? जैसे कि विंटर्स जा रही हैं और समर्स आ रही हैं, तो दिल करता है अब कुछ ठंडा ठंडा खाने का, स्पेशली दही में, और उसमें भी एक बहुत बढ़िया टेस्ट हो जाए तो बात ही क्या। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पाइनएप्पल रायता, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, जो आप रेस्टोरेंट जाके खाते हो, और कुछ ऐसे टिप्स के साथ जिससे आपका रायता जो है बिल्कुल भी बिटर यानी कि कड़वा नहीं बनेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सो फ्रेंड्स, पाइनएप्पल रायता बनाने के लिए हम लेंगे बहुत ही चिल्ड, यानी कि दही जो है बहुत ज्यादा ठंडा होना चाहिए, और स्पेशली अगर होममेड हो तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये मैंने 2 कटोरी कर्ड लिए सिंपल, इसको हम अच्छे से विस्क के साथ ऐसे अच्छे से इसको क्रीमी बनाएंगे। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए, चाहे तो आप सूप छन्नी होती है उससे भी अच्छे से इसको छान सकते हो। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, दही हमारी बिल्कुल इस तरह से क्रीमी हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें फटाफट से हमने क्या क्या डालना है। रायते में डालने के लिए फ्रेंड्स हम बनाएंगे घर पे जीरा पाउडर। ठीक है, घर पे बहुत इजीली बन जाता है। तवे पे इस तरह से मैं 1 टीस्पून जीरा लूंगी और इसको हल्के से सॉटे करूंगी। जैसे ही थोड़ा सा ये डार्क ब्राउन हो जाए, हम इसको कुंडी सोटे में या फिर चकले के ऊपर रख के भी बेलन से फटाफट से इसको पाउडर बना लेंगे, और गरम गरम जीरे का ही बनाना है फ्रेंड्स, ठंडा होने पे ये अच्छे से पीसा नहीं जाएगा। ये देखिए, बस इतना ही हमको डार्क करना है। ठीक है, ये देखिए, बस गरम गरम को ही हम चकले पे डालेंगे और फटाफट से बेलने के साथ हम पीस लेंगे। चाहे तो आप किसी भी नॉर्मल रायते में भी डाल सकते हो फ्रेंड्स, सब्जियों में भी डाल सकते हो इस तरह से। देखिए, ओहो, इसकी ना फ्रेग्रेंस ही बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स। ये देखिए, जीरा पाउडर हमारा बन गया फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, कर्ड में सीधा ही पाइनएप्पल को काट देते हैं और फिर हल्की सी चीनी और नमक डाल के खा लेते हैं। होता क्या है, उससे हमारा मतलब रायता जो है बाद में 1-2 घंटे बाद कड़वा होता है, लेकिन आज मैं आपको कुछ डिफरेंट तरीके से बनाना सिखाऊंगी। मैंने क्या किया है, एक ब्लेंडर लूंगी मैं इसमें 2 स्लाइसेस, ये देखिए पाइनएप्पल के होते हैं, इसकी बनाऊंगी थोड़ी सी प्यूरी। आप आगे आके देखते जाना फ्रेंड्स, ये कितना डिफरेंट तरीके से बना रही हूं। बस ये बहुत आसानी से फ्रेंड्स इसकी प्यूरी बन जाती है। अब इसकी बनाते हैं हम बहुत ही फाइन पेस्ट। ये देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी पाइनएप्पल प्यूरी बन गई, ये देखिए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, एक प्यूरी भी हमने बना ली, कुछ हम पीसेस काटते हैं पाइनएप्पल के, मैं आपको दिखाती हूँ किस शेप में काटने हैं। ये देखो, इस तरह से मैंने पाइनएप्पल के पीसेस कर लिए थे। ठीक है, जब भी फ्रेंड्स कभी भी आप पाइनएप्पल का रायता बनाओ, पाइनएप्पल हमेशा देख के लेना, मतलब बहुत ज्यादा रॉ नहीं होना चाहिए और खट्टा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, नहीं तो रायता में मतलब कि एक बिटरनेस आएगी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम इसके करेंगे हम छोटे छोटे इस तरह से ट्रायंगल में पीस। बिलीव मी फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप रायता बनाओगे, आपका रायता बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे आप शादियों में खाते हो वैसा बनेगा, और बिल्कुल भी बिटरनेस यानी कि कड़वापन नहीं आएगा। बस इस तरह से हम अपने सारे पीसेस को काट लेंगे। अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, इसको अच्छे से पकाते हैं। ठीक है, मैं इसमें डालूंगी 1/4 कप वाटर, बहुत थोड़ा सा। इसमें मैं डालूंगी जो मैंने प्यूरी बनाई थी, 1/4 कप। अब आप सोचेंगे इसको हमने पकाना क्यों है, मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे रीजन क्या है। रेस्टोरेंट में ऐसे ही बनाते हैं, और ये जो मैंने पीसेस काटे थे पाइनएप्पल के, ये वाले, ये भी बीच में डाल दूंगी मैं। और मैं इसमें डालूंगी शुगर, चीनी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो, मैं इसमें 1/3 चीनी डाल रही हूँ। ठीक है, दही के हिसाब से आप जितना कम ज्यादा पसंद करते हो, और ये डिपेंड भी करते हैं हमारा पाइनएप्पल कितना मीठा है और आपको कितना मीठा पसंद है। ठीक है, इसको हम स्टर करेंगे और इसको पकाएंगे 3-4 मिनट तक, और स्लो गैस पे, बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे नहीं। फ्रेंड्स, इसको पकाना बहुत जरूरी है, मैं आपको रीजन बताती हूँ क्या है, क्योंकि इसमें एक एंजाइम होता है जिसको ब्रोमेलाइन बोलते हैं, और जब जैसे ही अगर हम डायरेक्ट पाइनएप्पल को दही वाले डायरी प्रोडक्ट्स में डाल देते हैं तो वो क्या रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से आपने कभी भी देखा होगा घर पे जब भी हम ये रायता बनाते हैं पाइनएप्पल, उसमें 1-2 घंटे बाद बिटरनेस यानी कि कड़वापन आ जाता है, वो मिठास खत्म हो जाती है, वो इसी की वजह से। अगर इस तरह आप हल्का सा इसकी प्यूरी और इसको पीसेस के साथ 2-4 मिनट तक पकाएंगे और फिर ठंडा होने पर फिर इसको दही में डालेंगे, आपके रायते में कभी भी कड़वापन नहीं आएगा। ठीक है, आप हमेशा इसी तरह से बनाना। बहुत से लोग फ्रेंड्स फ्रेश पाइनएप्पल नहीं लेते, वो कैंड वाला भी ले लेते हैं, आप वो भी ले सकते हो, वो भी उससे भी बिटरनेस कड़वापन नहीं आता, क्योंकि ऑलरेडी वो भी पहले ही पकाया होता है, आप वो भी ले सकते हो। लेकिन फ्रेश का तो फिर फ्रेंड्स अलग ही मजा है, मतलब आप उससे रायता अगर बनाओगे वो ज्यादा बेटर बनेगा।
तीन से चार मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, अब हम इसको प्यूरी को ठंडा होने देंगे। गरम गरम बिल्कुल भी नहीं दही में हमने डालना, ठीक है, बिल्कुल ठंडा रूम टेम्परेचर पे होने देंगे। तो जी हमारी प्यूरी भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है फ्रेंड्स। दोबारा मैंने वही कर्ड अपना ले लिया, अब इसमें फटाफट से डालते हैं अपने मसाले और खाते हैं टेस्टी टेस्टी खट्टा मीठा पाइनएप्पल रहता। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा पाउडर जो मैंने बनाया था, थोड़ा सा 1/4 टीस्पून, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। थोड़ा सा काला नमक, वो भी अपने टेस्ट के हिसाब से। थोड़ी सी लाल मिर्च, वो भी कम ज्यादा जैसे आपको अच्छा लगता हो। और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसको आप किसी के साथ भी खाओ फ्रेंड्स, बिरयानी के साथ ये बहुत ही बढ़िया लगता है। और स्पेशली अब तो जैसे समर्स आ रही हैं, तो पाइनएप्पल जैसे सीजनल है तो बहुत ही बढ़िया लगता है। ठंडा ठंडा दही, आजकल जैसे सर्दियां अब खत्म हो गई हैं तो दही खाने का मन करते है ना। साथ ही मैं डालूंगी जो मैंने ये प्यूरी बनाई थी, ठीक है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है फ्रेंड्स, जैसे जैसे मैं नाम ले रही हूँ। और इसको फ्रेंड्स ठंडा करके ही खाना, जैसे ही रायता बन जाए उसको आप 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रखिए, फिर इसको ठंडा ठंडा परोसिए, चाहे किसी भी मील के साथ। पता है आलू के परांठे हो, बहुत ही मजा आता है इंडियन मील में। मतलब कहीं भी रेस्टोरेंट में चले जाओ नॉर्थ इंडिया में तो ये आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। इसको ऊपर गार्निश कर सकते हो हल्का सा ये अपने पाइनएप्पल के साथ भी, थोड़े से धनिया के पत्ते भी लगा सकते हो, थोड़ा सा अनार भी डाल सकते हो। इतना मतलब बढ़िया बनता है ना फ्रेंड्स, मतलब आपके मुंह से नहीं उतरेगा। थोड़ा सा गार्निश, चाहे तो आप इसमें फ्रेंड्स सूखा हुआ पुदीना या फ्रेश पुदीना भी काट के डाल सकते हो। बहुत बढ़िया ठंडा ठंडा टेस्ट आता है, और गर्मियों में तो वैसे भी कहते हैं पुदीना जरूर खाना चाहिए। तो रेडी है जी हमारा पाइनएप्पल रायता, इसको आप किसी के साथ भी खाओ फ्रेंड्स, हर चीज के साथ अच्छा लगता है। तो बाय फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी पे। मेरी रेसिपी को शेयर करना मत भूलिएगा।